आज इंदिरा गांधी की 28वीं पुण्यतिथि है। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के सुरक्षा कर्मियों ने उनकी हत्या कर दी थी। इंदिरा गांधी पर 31 गोलियां चलाई गई थी, इनमें से 31वीं गोली पर आज हम करेंगे एक बड़ा खुलासा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इंदिरा गांधी को आज देश कैसे याद कर रहा है। ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल पर आज सुबह सुबह राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी पहुंचे और उन्होंने शक्ति स्थल पर श्रद्धांजलि दी। इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि देने वालों में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी समेत दिल्ली के उपराज्यपाल तेजिंदर खन्ना भी पहुंचे। और अब देखिए इंदिरा गांधी पर चली 31वीं गोली का राज क्या था। और मेरी आशा है कि नौजवान हों या महिलाएं हों, ये सब इसको आज सोचें, आज इस उत्तरदायित्व को अपने कंधों पे उठाएं। आपने अभी अभी इंदिरा गांधी का आखिरी भाषण सुना। इस भाषण के ठीक 20 घंटे बाद इंदिरा गांधी पर गोलियां चली और वो हमेशा के लिए चली गईं। बेअंत सिंह ने .38 पिस्तौल निकाली और 3 गोलियां इंदिरा गांधी के पेट पर चलाई। वो नीचे गिर पड़ी। पीछे से सतवंत सिंह कार्बाइन लेकर आया और उसने पूरी कार्बाइन खाली कर दी। मौत के 28 साल बाद इंदिरा गांधी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से नया खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है इंदिरा गांधी पर 31 गोलियां चलाई गई थीं। 30 गोलियां इंदिरा गांधी को लगी और 31वीं गोली छूकर निकल गई। 30 में से 23 गोलियां इंदिरा के शरीर के आर पार निकल गई थीं। इंदिरा गांधी का पोस्टमार्टम एम्स अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में ही हुआ था। पोस्टमार्टम के दौरान उनके शरीर से डॉक्टर को 7 गोलियां मिली। फेफड़ा छलनी हो चुका था, गोलियों की वजह से लिवर गायब था और डायफ्राम को गोलियों ने भेद दिया था। एम्स के डॉक्टर टीडी डोगरा ने इंदिरा गांधी का पोस्टमार्टम किया था। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंदिरा गांधी की मौत की वजह लिखी, डेथ फ्रॉम एक्सेसिव ब्लीडिंग कॉज्ड बाय बुलेट इंजरीज, यानी गोली लगने की वजह से शरीर से ज्यादा खून निकला, उससे मौत हुई। कुछ साल बाद एम्स के जिस डॉक्टर ने इंदिरा गांधी का पोस्टमार्टम किया, उनकी मुलाकात इंदिरा गांधी के हत्यारे सतवंत सिंह से हुई। ट्रायल कोर्ट में डॉक्टर डोगरा गवाही देने पहुंचे थे। ब्रेक के दौरान वो टॉयलेट गए तो वहां सतवंत सिंह पहले से मौजूद था। सतवंत सिंह ने डॉक्टर से कहा, माफ कीजिए डॉक्टर साहब, मेरी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, इतना तो बता दीजिए इंदिरा गांधी को कितनी गोलियां लगी थी। इकतीस अक्टूबर को अगर वो 31 गोली नहीं चलती तो इंदिरा गांधी आज हमारे साथ होती। इंदिरा गांधी ने अपना आखिरी भाषण उड़िया में दिया था। थकाने वाले दौरे के बाद वो दिल्ली लौटी थी, फिर भी सुबह 9 बजे तैयार होकर वो अपने दफ्तर के लिए निकल पड़ी। अपने एक सफदरजंग रोड के घर से वो बाहर की तरफ निकल रही थी कि दिल दहला देने वाली घटना हो गई।
31 अक्टूबर 31 गोलियां। 31 अक्टूबर सुबह के ठीक 9:20 पर एक सफदरजंग रोड गोलियों की आवाज से गूंज उठा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सुबह अपने एक सफदरजंग रोड के घर से निकलकर अपने ऑफिस तक पैदल ही जा रही थीं। ये वही रास्ता है जो हर रोज प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लिया करती थी अपने निवास स्थान से अपने दफ्तर यानी कि एक अकबर रोड जाने के लिए। ब्रिटेन के मशहूर एक्टर डायरेक्टर पीटर उत्सिनोव अपनी कैमरा टीम के साथ इंदिरा गांधी का इंटरव्यू लेने पहुंचे थे। इंदिरा गांधी के साथ उनके पीछे पीछे उनके सबसे करीबी आर के धवन भी थे। लोकसभा चुनाव की वजह से उड़ीसा के दौरे से रात काफी देर से लौटी थीं, लेकिन सुबह अपने इंटरव्यू के लिए वक्त से तैयार होकर अपने घर से निकल आर के धवन के साथ ऑफिस की तरफ जा रही थीं इंदिरा गांधी। 31 अक्टूबर की सुबह उनका एक इंटरव्यू था जाने माने एकेडमी अवार्ड विनर एक्टर और मशहूर जर्नलिस्ट पीटर उस्टिनोव के साथ। सुबह 9:08 इंदिरा गांधी गुलाबी साड़ी पहनकर घर से निकलकर ऑफिस की तरफ कुछ कदम ही आगे बढ़ी थी कि उनका सबसे भरोसेमंद सुरक्षा गार्ड बेअंत सिंह सादे कपड़ों में सामने आ खड़ा हुआ। इंदिरा जी ने बेअंत की तरफ देखकर अपने हाथ जोड़े और नमस्ते कहा। जैसे इंदिरा गांधी ने अपने दो सुरक्षा कर्मियों को देखकर नमस्ते कहा, एक सफदरजंग रोड में गूंजी 3 गोलियां। बताया ये जाता है कि उस दिन उनके सिक्योरिटी गार्ड जो थे बेअंत सिंह इसी रास्ते से, ये रास्ता जो मेरे सामने है इस वक्त, बेअंत सिंह इसी रास्ते से इस तरफ आगे बढ़ा था और उस दिन यूनिफॉर्म उसने नहीं पहनी हुई थी, वो अपनी सिविल ड्रेस में था और सिविल ड्रेस में वो इंदिरा गांधी की तरफ आगे बढ़ा और सबसे पहले अपनी .38 रिवॉल्वर से उसने इंदिरा गांधी की तरफ इसी जगह पर गोली चलाई। इंदिरा गांधी पर पहला हमला। बेअंत सिंह ने अचानक अपनी .38 रिवॉल्वर निकाली और फिर चली गोली। इंदिरा जी के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, ये क्या कर रहे हो। लेकिन तब तक बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर की 3 गोलियां उनके पेट में मार दी। इंदिरा गांधी पर दूसरा हमला। बेअंत सिंह के हमले के तुरंत बाद अचानक पीछे से स्टेन गन लेकर यहां से दौड़ता हुआ आया इंदिरा गांधी का दूसरा सुरक्षाकर्मी सतवंत सिंह। उसने अपनी स्टेन गन में भरी 30 की 30 गोलियां इंदिरा गांधी पर दाग दी। मेरे पीछे जो आप ये शीशे का अलग सा टुकड़ा देख पा रहे हैं, ये वही जगह है जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर उनके ही सुरक्षा कर्मियों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने गोलियां चलाई थी। इंदिरा गांधी की हत्या के पहले चश्मदीद। इंदिरा गांधी से 1 फुट की दूरी पर उनके पीछे चल रहे सबसे खास सहायक आर के धवन की आंखों के सामने हुआ आजाद भारत का सबसे बड़ा और सबसे सनसनीखेज हत्याकांड। बस कुछ सेकंड के अंदर इंदिरा गांधी का खून से लथपथ शरीर यहां गिर पड़ा। 31 अक्टूबर 1984 का दिन याद करके आर के धवन आज भी हिल जाते हैं। तो अपने कमरे से निकली और मैं उनके साथ था, बिल्कुल साथ कदम से कदम मिला के चल रहा था, कम से कम शायद 1 फुट उनके पीछे होगा। जब चल रहे थे तो अचानक जब हमने गोली की आवाज़ आई, सिर उठाया तो देखा बेअंत सिंह जो अपनी सिक्योरिटी का था प्लेन क्लोज में था, जिसका काम था सिक्योरिटी करना, रक्षा करना, वही अपने रिवॉल्वर से इंदिरा जी के ऊपर गोली चला रहा था। इंदिरा गांधी की हत्या के दूसरे चश्मदीद। गोलियों की आवाज सुनकर उस वक्त घर में मौजूद इंदिरा की बहू सोनिया गांधी भागती हुई बाहर आईं। इंदिरा गांधी के खून से लथपथ शरीर को देखते ही सोनिया गांधी के होश उड़ गए, वो चिल्लाते हुए इंदिरा गांधी की तरफ दौड़ी। जो पहला शख्स इन गोलियों की आवाज सुनने के बाद बाहर आया था वो थी सोनिया गांधी और सोनिया गांधी तुरंत इंदिरा जी के पास पहुंची थी। इंदिरा गांधी की हत्या के तीसरे चश्मदीद। इंदिरा गांधी को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन एम्बुलेंस का ड्राइवर मौजूद नहीं था।
गोलियों की आवाज सुनकर एक सफदरजंग रोड पर मौजूद कांग्रेस नेता माखनलाल फोतेदार भी इंदिरा गांधी के पास पहुंचे। उस वक्त को याद करने पर आज भी माखनलाल फोतेदार का दिल भर आता है। उनके साथ मिस्टर दवन थे और एक दो सिक्योरिटी के थे और भी जो जमादार था हमारे उनके, वो उनके साथ थे, मैं उनके पीछे थे। इधर मैं खावाजा गए, तब हो गया, कुछ रहा नहीं, क्या हुआ। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर इंदिरा गांधी को एक सफेद एम्बेसडर में रखा गया। किसी भी कीमत पर उनकी जिंदगी को बचाने के लिए एम्स के डॉक्टरों को इमरजेंसी ऑपरेशन की पूरी तैयारी करने के आदेश दे दिए गए। अम्बेसडर की पिछली सीट पर इंदिरा गांधी के सिर को अपनी गोद में रखकर बैठी थीं सोनिया गांधी। इंदिरा गांधी के एक सफदरजंग रोड से निकलकर एम्स की तरफ पूरी रफ्तार से दौड़ी 31 अक्टूबर 9:30 बजे के करीब एक सफेद अम्बेसडर। अब तक आजाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े मर्डर की खबर बाहर नहीं आई थी। देश की प्रधानमंत्री को उनके घर में ही उनके दो सुरक्षा कर्मियों ने गोली मार दी, ये खबर अभी एक सफदरजंग रोड के अंदर ही थी। लेकिन इंदिरा के शरीर में घुसी वो 31 गोलियों ने पूरे हिंदुस्तान का रुख मोड़ दिया। मिथिलेश कुमार, इंडिया टीवी, दिल्ली। 31 अक्टूबर 31 गोलियों की खौफनाक कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, बाकी की कहानी आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी अपने ऊपर लगे आरोपों के बाद पहली बार मुंबई पहुंचे हैं। गडकरी इस वक्त लोगों को संबोधित कर रहे हैं। 2,000 करोड़ रुपए खर्चा हुए, किसानों को उनके जमीन का मुबदला अभी तक कुछ किसानों को मिला नहीं है, पुनर्वसन का काम नहीं हुआ है, विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और यहाँ 288 कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं। मैंने 15 पत्र लिखे और प्रधानमंत्री को कहा कि महाराष्ट्र का एक राष्ट्रीय प्रकल्प है और इसके लिए आप तुरंत निधि जो है वो भेजिए, ताकि यह 8,500-9,000 करोड़ रुपए डेढ़ एफेक्ट हुए हैं, अगर ये प्रकल्प पूरा होगा तो 3.5 लाख एकड़ आत्महत्या करने वाले किसानों को पानी भी मिलेगा, उनकी जान बचेगी और उसके साथ साथ किसानों का गांवों का पुनर्वसन होगा और किसानों को भी उनका पैसा मिलेगा। तो इन लोगों ने लिखा कि मैं कॉन्ट्रैक्टर के पेमेंट निकालने के लिए पैसे पत्र लिखा, इस प्रकार की 2 दिन मीडिया पर चर्चा चालू रखी। फिर यह लिखा गया कि मैं शरद पवार और अजय सेंचेटी का पार्टनर और 22वीं फैक्ट्री का दिवाला फिर गया और एक भी फैक्ट्री चल नहीं सकी। प्रफुल्ल पटेल जी ने कोशिश की, माणिकराव ठाकरे ने कोशिश की, बाबा साहेब धाबेकर जी ने कोशिश की, सुरेश देशमुख ने कोशिश की, मुकुल वासनिक जो अभी वर्तमान केंद्रीय मंत्री है, इनके फैक्ट्री का अभी 1.5 महीने पहले सुरेश देशमुख, मुकुल वासनिक और बाबूराव तिड़के, उन तीनों फैक्ट्री का एमएस सॉफ्ट बैंक ने ऑप्शन किया। विदर्भ के किसानों को अगर वो गन्ना लगाएंगे तो 1 एकड़ में कम से कम 7,000 से 1,00,000 रुपए एकड़ फायदा होगा, विदर्भ के किसानों की आत्महत्या नहीं होगी और विदर्भ के किसान मुक्त होंगे। इस भावना से हमने कॉपरेटिव में ही एक शुगर फैक्ट्री डालने का विचार किया, पर कॉपरेटिव में कोई भी शुगर फैक्ट्री अगर डालते हैं तो उसमें कॉपरेटिव बैंक का ही कर्जा मिलता है और महाराष्ट्र सरकार लाइसेंस नहीं देती और इसलिए महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक कांग्रेस एनसीपी के होने के कारण कर्जा मिलना मुश्किल था। कोल्हापुर जिले में 14 शुगर फैक्ट्री है और हिंदुस्तान में देश में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम कोल्हापुर जिले में सबसे ज्यादा लोगों का है और इसलिए हमने शुगर फैक्ट्री शुरू करने की कोशिश की और कॉपरेटिव के मॉडल में ये शुगर फैक्ट्री शुरू की। इसमें अनेक अड़चने आई, काफी कॉपरेटिव बैंकों ने, 17 बैंकों ने कंसोर्टियम करके कर्जा दिया, इरेडा ने कर्जा दिया, पर ये शुगर केन का कल्चर न होने के कारण ये काफी घाटे में आया। उसके बाद में 225 करोड़ की लायबिलिटी आई, तब बैंकों का कर्जा चुकाने के लिए मैस्कर साहब को मैंने कहा कि ये बैंक तो हमको कर्जा नहीं दे सकती, आप आपके नाम पर कर्जा लीजिए और हमें दीजिए ताकि हमारा वन टाइम सेटलमेंट होकर हमको मदद मिलेगी। उन्होंने 13% से ग्लोबल फाइनेंस कंपनी में जो कर्जा लिया था वो 14% से हमको दिया, 250 करोड़ रुपए का एसेट हमने मॉर्गेज किया और उसके बाद में अभी तक 62 करोड़ रुपए उनको 14% ब्याज से वापस किए
40 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में वापस किए और 22 करोड़ रुपए मुद्दत के रूप में वापस किए हैं। क्या इस देश में कर्जा लेना तो कोई गुनाह नहीं हो सकता? बाद में इस फैक्ट्री के बारे में आरोप किया गया कि मैं महाराष्ट्र का जब 12 साल पहले मंत्री था तब मैंने कुछ गलत काम किए, इसके कारण मुझे ये मदद मिली। मैं मुंबई की जनता को पूछना चाहता हूं और ये मीडिया वालों को सवाल पूछना चाहता हूं कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के लिए 3 टेंडर आए थे और लोएस्ट टेंडर 3600 करोड़ रुपए का था। मैं अगर लीगली दे सकता तो उनको दे सकता था, वो टेंडर मैंने रिजेक्ट किया और 3600 करोड़ रुपए का काम केवल 1600 करोड़ रुपए में करके महाराष्ट्र सरकार के और महाराष्ट्र की जनता के 2000 करोड़ रुपए मैंने बचाए। मुंबई के 55 फ्लाईओवर की योजना आई, ये 55 फ्लाईओवर 1800 करोड़ रुपए की एस्टिमेट कॉस्ट थी, ये केवल 1000 करोड़ रुपए में बनाकर जनता के और महाराष्ट्र सरकार के 800 करोड़ रुपए मैंने बचाए। जो बरेली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट है, ये आधा प्रोजेक्ट मेरे कार्यकाल में पूरा हुआ। लवग्रो ब्रिज और माहिम का ब्रिज पूरा हुआ, भाव पूरा डाला गया और अंदर का समुद्र का ब्रिज बनाने के लिए मैंने 421 करोड़ रुपए में कॉन्ट्रैक्टर जो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट किया और काम शुरू किया। सरकार बदल गई, 421 करोड़ का काम आज 1800 करोड़ रुपए खर्चा होकर भी पूरा नहीं हुआ। पूरे मीडिया के एक भी पत्रकार उसमें से 1300 करोड़ का जो चूना लगा है मुंबई की जनता को, इसके ऊपर एक शब्द दिखाते नहीं। ना कोई भ्रष्टाचार हुआ, ना कुछ हुआ, ना कोई काम में मैंने किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं किया। आज 12 साल के बाद मेरे ऊपर एक भी आरोप नहीं हुआ। दर्द हो रहा है, आज ये आरोप थे कि 12 साल पहले मैंने गलत काम किया। दर्द हो रहा है, जो काम मैंने भैस्कर साहब को दिया था उसमें से 7 करोड़ के काम दिए थे, उसमें से 4 काम तो नेशनल हाईवे के थे जो दिल्ली में फाइनल हुए और बाद में उनको जो काम मिले वो कांग्रेस एनसीपी के शासन कार्यकाल में हुए। बार बार मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। कुर्ती का कोऑपरेटिव मॉडल पब्लिक लिमिटेड बना, आज कुर्ती के एरिया में 70,000 एकड़ गन्ना लगा है और इस बार 200 करोड़ रुपए का मुनाफा किसानों के हाथ में जाएगा। 10,000 लोगों को रोजगार मिला है और कुर्ती में 12,000 शेयर होल्डर्स है। मुझे अगर मनी लॉन्ड्रिंग करना रहता तो मेरे और मेरे परिवार के कंपनी के नाम पर मैं 10-20-25 करोड़ रुपए जमा करता। 68 करोड़ रुपए की शेयर इक्विटी में मेरे और मेरे परिवार का शेयर केवल 1 लाख रुपए का है और बाकी 12,000 शेयर होल्डर्स है जिनके पास इस कंपनी के शेयर है। इसमें जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उनके कंपनी के बारे में कुछ इरेगुलरिटी के बारे में चर्चा हुई है। मैंने आह्वान किया इसमें जो भी इंक्वायरी करना है करिए, मैं इसी में से किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं हूं, किसी भी कंपनी में मेरा 1 रुपए का शेयर नहीं है और अगर किसी ने आप में से किसी ने अगर मुझे 10 लाख रुपए चेक देकर अगर मेरे कंपनी में शेयर इन्वेस्ट किया तो 10 लाख रुपए आपने कहां से लाए, कैसे लाए, इसका जवाब आप दे सकते हैं। कोई जिसे इन्वेस्टमेंट जिस कंपनी को देने का कोई कारण नहीं है और इसलिए इसकी किसी भी इंक्वायरी के लिए मैं तैयार हूं। ये मैंने कहा, बार बार दिखाया जा रहा है कि ये कंपनी मेरी सेफ कंपनी है जिसका मैं डायरेक्टर नहीं, जिसमें मेरा शेयर होल्डिंग नहीं और उस कंपनी के मालिक भी अब सामने आए हैं और ये कह रहे कि इक्विटी हमने की है, वो इनकम टैक्स में अपनी बातें बताने के लिए तैयार है। मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं होने के बाद भी बार बार मुझे बदनाम किया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं मैंने 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं किया, 1 रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ईमानदारी से मैं किसानों के लिए अपने एरिया में काम कर रहा हूं। जैसे नानाजी देशमुख ने चित्रकूट और बाकी जगह कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट बनाकर काम शुरू किया, वैसा मैं किसानों में वहां इथेनॉल बनाता हूं, बायो फ्यूल, बायो डीजल, बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सोलर एनर्जी, अलग अलग विषयों पर मैं किसानों के पास टेक्नोलॉजी पहुंचाने का काम करता हूं। आत्महत्या करने वाले क्षेत्र में वहां के किसानों के लड़कों को रोजगार देने का काम किया है। अभी कुर्ती में 64 करोड़ रुपए का नुकसान है, घाटा है और मैंने 14 महीने पहले कुर्ती से
के सभी कंपनियों का इस्तीफा भी दे दिया है और किसी उसको की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर नहीं। इसके बावजूद बार बार ये सब इसलिए शुरू है, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार से लिप्त है। अगर मेरे ऊपर आरोप हुए तो मैं अगर इंक्वायरी के लिए तैयार हूं तो मैं कांग्रेस पार्टी के दामाद पर आरोप हुए वो इंक्वायरी के लिए तैयार क्यों है ये सवाल पूछना चाहता हूं।